इस कल्प वृक्ष के अंदर चार प्रकार की डालियां हैं, लेकिन पांचवी डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो, श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना ये सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। बाप दादा सर्व उड़ते पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं, सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करता बने हो तो कुछ पलों के लिए जरा सोचें, इस पर मनन करें। मुझे यह रूहानी नशा है कि मैं आत्मा अति भाग्यवान हूं, जो ऑलमाइटी बाबा ने विश्व कल्याण के महान कार्य में मुझे निमित्त बनाया है। बाबा करण करावन हार है और मैं बाबा की कठपुतली हूं। सर्व विशेषताएं व खूबियां उस परमात्मा की देन है, वही मुझ कठपुतली द्वारा ये सब खेल करवा रहे हैं और मैं निर्माण बन चुपचाप उनके दिव्य इशारों पर नाच रही हूं। मैं भगवान की बेहद शुक्रगुजार हूं जो वे अपने गुणों और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं।
जितना जितना मैं निर्माण और निमित्त बन उनकी श्रीमत पर हाजिर होती हूँ, उतना ही वे मुझे इस रूहानी बेहद की सेवा में यूज करते हैं। मैंपन का भान मुझे भारी बना देता है, मुझे हदों में जकड़ लेता है। निमित्त और निर्माण भाव मुझे हल्का बनाता है, लाइट बनाता है और मैं आत्मा, उमंग, उत्साह व खुशी के पंख लगाकर बेहद सेवा में उड़ती रहती हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी कि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट सोल हूं। ये स्मृति बाबा की दुआओं का पात्र बनाती है। मैं भगवान के काम आ गई। मुझे उस ईश्वर ने पसंद कर लिया है। बस इसी नशे में मैं झूम रही हूँ। आपका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद बाबा। मेरे मन और बुद्धि को पवित्र बनाने